हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके साथ एक कढ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैं आलू की कढ़ी बना रही हूँ फ्रेंड्स, और मैं झटपट इसे बना लूँगी क्योंकि आज मुझे कहीं बाहर जाना है और मैं अपने बच्चों को लेके कहीं बाहर जाऊँगी क्योंकि बच्चे बहुत ज़िद कर रहे हैं, मम्मा कहीं बाहर चलो, इसलिए मैं जल्दी से ये रेसिपी बना। मैंने 3 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। ये कढ़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही हल्की होती है। पकोड़ों वाली कढ़ी भी बनती है फ्रेंड्स। कढ़ी तो बहुत तरह की बनती है। मैंने इसमें 2 चम्मच रेड चिली पाउडर लिया है और फिर मैं ऐसा पेस्ट बनाऊंगी। पानी डाल के मैं इसमें स्मूथ सा पेस्ट बना के इसको रख दूंगी और ये कढ़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसलिए मैं इसे फटाफट बना रही हूँ। और मैं पूरी तैयारी करके एक जगह रख लेती हूँ ताकि मैं बनाने के समय कोई चीज़ भूलूँ ना। और मैंने 2 बड़े आलू लिए हैं, उनको कट कर लिया है, और मैंने ये गार्लिक कूट के रख लिया है। 3-4 कलियाँ हैं फ्रेंड्स, ये देखिए थोड़ा सा गार्लिक है बिल्कुल। इसमें गार्लिक का स्वाद बहुत अच्छा आता है। और मैंने मेथी दाना लिया है और इसमें थोड़ा सा हींग जाएगा, ये देखिए हींग लिया है मैंने। और मैंने दही लिया है और इस दही को मैं बिल्कुल स्मूथ सा अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब उसमें मैंने मेथी दाना डाल दिया है, उसको थोड़ा सा लाल करूँगी, फिर उसमें मैं गार्लिक मैंने डाला, थोड़ा सा उसको भूंजूंगी गार्लिक को। और फिर मैं इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया था हल्दी का और रेड चिली पाउडर का, वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये पेस्ट हल्का सा बिल्कुल फ्राई करना है, बहुत जल्दी पक जाता है ये मसाला। और फिर मैं इसमें आलू जो मैंने कट करके रखे हुए थे और थोड़ी सी हींग डाली है मैंने इसमें। ये मैंने आलू को मसाले में मिक्स कर दिया है और इसको मैं अच्छे से चला के एक या दो मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख दूंगी ताकि आलू हल्के से अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मैंने दही को खूब अच्छे से फेंट लिया है, उसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसमें 3 चम्मच बेसन डालूंगी। मैं बेसन को दही में ही डालती हूँ, बहुत लोग अलग से फेंटते हैं पर मैं दही में डालती हूँ। दही में डालने से बेसन के लम्ब्स नहीं बनते हैं और बहुत अच्छे से बेसन दही में फिट जाता है, ये देखिए। अब मैं इसको फेंट लूँगी, आप देख सकते हैं ये अच्छे से फिट चुका है। हर घर की कढ़ी का कुछ अलग स्वाद होता है, कुछ अलग रेसिपी होती है। मेरी रेसिपी फ्रेंड्स मैं अपने अकॉर्डिंग बना रही हूँ, मुझे पता है आप लोग भी बहुत अच्छा कढ़ी बनाते होंगे। और आप बताइएगा आप किस तरह कढ़ी बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और उसको बिल्कुल पतला कर लूँगी मैं फेंट के, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं आलूओं को चेक करूँगी, देखूँगी कि ये थोड़े से अच्छे से पक गए हैं। अब मैंने जो घोल बना कर रखा है दही और बेसन का, मैं इसमें इसको ऐड करूँगी। पहले मैं चेक करूँगी आलू कैसे पके हैं मेरे, और इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे आलू अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए मेरे आलू बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब मैंने जो दही का मिक्सचर बनाया है वो मैं इसमें डाल दूंगी।
और ये मिक्सचर डालने के बाद खूब अच्छे से हमें इसे चलाना है, तेज आंच कर देनी है। इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि दही डालने से आपकी कढ़ी फट सकती है, इसलिए आप इसको तेज आंच कर दीजिए और धीरे धीरे इसको चलाते रहिए। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है ये रेसिपी। थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डालूंगी, क्योंकि इसको पकने में भी थोड़ा टाइम लगेगा और जितनी अच्छी कढ़ी पकती है आपकी उतनी टेस्टी बनती है। मेरी कढ़ी में खूब अच्छे से उबाल आ गया है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। ये बिल्कुल छोटा चम्मच है, मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, इसमें फुल नहीं लूंगी, थोड़ा थोड़ा 3 चम्मच नमक डालूंगी। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक लीजिएगा, जैसा आपके घर में नमक खाते हो। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से कढ़ी बिल्कुल एकदम पक गई है, गाढ़ी हो गई है और कितना प्यारा कलर आया है इसका। और इसी तरह से मैं कढ़ी बनाती हूँ, आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मुझे कैसी लगी ये। मुझे आज जाना है बच्चों को लेकर, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना कर इसे रख दूँगी और वापस आने के बाद मैं रोटियाँ सेकूँगी और अगर बच्चे खाएंगे तो साथ में मैं चावल भी बना दूँगी। मैंने जैसी कढ़ी बनाई, मेरी छोटी बेटी कहने लगी, मम्मा मुझे थोड़ी सी कढ़ी खानी है, तो मैंने इसको एक कटोरी में थोड़ी सी कढ़ी डाल के दे दी है। उसको बहुत कढ़ी पसंद है। ओके फ्रेंड्स, बाय। आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये मैं अपनी बच्ची को लेके, दोनों बेटियों को मॉल घुमाने लाई हूँ और बच्चे यहाँ पे जा रहे थे तो हमें फ़िश टैंक दिख गया। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फ़िश हैं, बड़ी बड़ी फ़िश है। मैं आपको भी दिखाती हूँ, आप भी देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एक फ़िश तो वहाँ पे बहुत बड़ी थी, जिसे देख के मेरी छोटी बेटी बोलने लगी, मम्मा ये देखिए कितनी बड़ी फ़िश है। तो मैंने इसको अपने वीडियो में कैप्चर कर लिया है आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी फ़िश थी और ये टैंक बहुत बड़ा था। ये मॉल बहुत बड़ा मॉल है हमारे यहाँ का, हम लोग अक्सर यहाँ घूमने आते हैं। और यहाँ पे एक भैया हैं, बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं, आप सुनिएगा इनकी म्यूज़िक और गाना सुनिए, बहुत अच्छा बजाते हैं। मैं तो थोड़ी देर वहाँ बैठ के थोड़ा सा सुनने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा।